जी भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। वो उसको कहते हैं आस्क आर्थर, आर्थर ने पूछा इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये अमली मजाक है। पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा करना है। आस्क आर्थर, आर्थर ने पूछा इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये को अमली मजाक है। प्रैक्टिकल का मतलब जो अमली तौर पर किया जाए। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं या हरगिज नहीं। एक क्लॉज है आपकी, द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश या ये पेशकश मुकम्मल तौर पे असली है। ऑफर कहते हैं प्रपोजल या सजेशन को, ऑफर कहते हैं सजेशन या प्रपोजल को। और कम्प्लीटली जेन्युइन का मतलब प्योर, रियल, ऑथेंटिक। कम्प्लीटली क्या है, जेन्युइन है तो कम्प्लीटली एडवर्ब है एडजेक्टिव का, जेन्युइन जो है ना यहाँ पे ऑफर है, ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव और कम्प्लीट उसका एडवर्ब है। तो ये तजवीज या ये पेशकश मुकम्मल तौर पे असली है या मुकम्मल तौर पे सही है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, या तुम्हारी बात काबिल फहम नहीं है, या तुम्हारी बात क्या होगा फहम से बालातर है या समझ से बालातर। किस तरह से भी तर्जमा कर सकते हैं। मेक सेंस का मतलब होता है समझना, काबले फहम होना। अर्थ ने कहा तुम्हारी बात समझ से बालातर है। यू एक्सपेक्ट अस बिलीव, तुम तवक्को रखते हो कि हम यकीन कर लेंगे। यू एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट हो, लाइक हो या वांट हो। मैंने बताया था इसका तर्जमा हम पहले करेंगे इस क्लॉज का, और दूसरी क्लॉज का अस जो है वो इन्फिनिटिव के साथ मिला के पढ़ेंगे। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक्सपेक्ट अस के ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज करना होता है, इन्फिनिटिव लगाना होता है। लेकिन तर्जमा करते हुए इसको हम अस को इसके साथ इन्फिनिटिव के साथ मिला के पढ़ेंगे, तो क्या तर्जमा बनेगा, तुम तवक्को रखते हो हम यकीन कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपने कहना हो कि हमारे वालिदैन चाहते हैं कि हम जिंदगी में कामयाब हों, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आर पेरेंट्स वॉन्ट अस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये हम क्या यूज करते हैं वहां पे वॉन्ट के बाद, या क्या होगा वॉन्ट या डिजायर या एक्सपेक्ट या लाइक के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा, डिमांड जो है वो कंफर्म करना, तस्दीक करना। नौमा ने तस्दीक की। हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। नौमा ने तस्दीक की, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा करना है, और हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो या तुम किसके नुमाइंदा हो। हु डू यू रिप्रेजेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, हु डू यू रिप्रेजेंट या होम डू यू रिप्रेजेंट। अब रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यू कर रहा है, और किसकी कर रहा है, होम की कर रहा है। तो तब हमने क्या यूज करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो जब एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना हो तो हु की बजाय क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा। तो नौमा ने तस्दीक की, या नौमा ने इसकी क्या होगा तसल्ली की या तस्दीक की, आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो या करते हो। आर्थर लुक्ड एम्बैरस्ड, यानी ऐसे ही किसी से पूछ लो कि आप कहाँ से आए हो, किसकी तरफ से आए हो, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, तो जाहिर है आर्थर लुक्ड एम्बैरस्ड, आर्थर शर्मिंदा दिखाई दिया। एम्बैरस्ड का मतलब होता है ह्यूमिलिएटेड, लुक्ड यहाँ पे दिखाई देना। लुक को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, लुक देखना भी है और लुक दिखाई देना भी है। तो जब आप यहाँ पे देखिएगा लुक देख, स्टीवर्ड क्या है, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है या एज अ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है क्योंकि देख नहीं रहा बल्कि दिखाई दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सेंस वर्ब क्या दे, सेंस वर्ब जो हमारे फाइव सेंसेस के रिलेटेड है, ये फाइव सेंसेस के रिलेटेड जो वर्ब्स होते हैं इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो एम्बैरस क्या होगा, एडजेक्टिव है। तो
स्टीवर्ट शर्मिंदा दिखाई दिया, स्टीवर्ट शर्मिंदा दिखाई दिया। आई एम अफ्रेड, मैं माजरत खा हूं। अफ्रेड का हम आम तौर पे समझते हैं कि शायद ये इसका तर्जमा जो है ना वो होगा मैं खौफजदा हूं। नहीं, ये आई एम सॉरी और आई एम अफ्रेड दोनों वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या होगा, आई एम अफ्रेड, मैं माजरत खाऊ, आई एम नॉट लिबर्टी, मुझे इजाजत नहीं है टू टेल यू दैट, आपको ये सब बताने की। तो एक क्लॉज आपकी, मैं माजरत खा हूं, मैं माजरत खा हूं, मुझे आपको ये सब बताने की इजाजत नहीं है। लिबर्टी से मुराद फ्रीडम, परमिशन, मुझे आपको ये सब बताने की इजाजत नहीं है। He said, उसने कहा। तो पहले आप रिपोर्टिंग क्लॉज का तर्जमा करेंगे। उसने कहा, मैं माजरत खा हूं, आपको मुझे ये सब बताने की इजाजत नहीं है। हाउएवर, बहरहाल, आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अश्योर का मतलब कन्फर्म, सर्टिफाई, असर्टेन। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ये इदारा बैन अल-अक़वामी मियार का हामिल है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ऑर्गेनाइज से निकला है, ऑर्गेनाइज का मतलब इंतजाम करना है, और ऑर्गेनाइजेशन उसका नाउन है, क्या मतलब, तंजीम या इदारा। तो ये इदारा बैन अल-अक़वामी मियार का हामिल है। स्कोप का मतलब स्टैंडर्ड लेवल, इंटरनेशनल। अब ऑफ है तो ऑफ प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बहरहाल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इदारा बैन अल-अक़वामी मियार का हामिल है। आई थिंक यू हैव बेटर लीफ, आई थिंक एक क्लॉज है, मेरे ख्याल में यू हैव बेटर लीफ, बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाओ। आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने, आप पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तर्जमा कैसे करते हैं, खड़े होते हुए। आर्थर ने खड़े होते हुए कहा, मेरे ख्याल में बेहतर है कि तुम यहाँ से चलते बनो। मिसेस स्टीवर्ड रोज, स्टीवर्ड उठ खड़ा हुआ, ऑफ कोर्स, बिला शुबा, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, सर्टेनली। रोज जो है वो सेकंड फॉर्म है, राइस, रोज, राइसन, सेकंड फॉर्म है उठ खड़ा होना। स्टीवर्ड उठ खड़ा हुआ, बिला शुबा, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और टेक योर बटन यूनिट विद यू, और ये अपने साथ अपना बटन वाला आला भी लेते जाओ, ये अपने साथ अपना बटन वाला आला भी लेते जाओ विद यू। आर यू श्योर, कि आपको यकीन है, यू वुडंट केयर, तुम बिल्कुल जहमत नहीं करोगे, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचने की, फॉर अ डे आर सो, एक दिन या कुछ, या एक दो दिन। तो पहला आपका जन वो क्या होगा, पहली क्लॉज आ गई, आर यू श्योर, कि आपको यकीन है कि आप, सब्जेक्ट का तर्जमा कर दिया आपने। उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में एक दो दिन, इसके बारे में एक दो दिन, या एक दो दिन इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं करोगे। लास्ट पे आपने वर्ब का तर्जमा किया, तो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको यकीन है कि आप इसके बारे में एक दो दिन सोचने की जहमत गवारा नहीं करोगे। यू वुडंट केयर, जब आज ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें तो तब भी हमने क्या यूज करते हैं, वुडंट केयर या वुड लाइक, ये दोनों सूरतों में हम क्या यूज करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई वुड लाइक, क्या होगा, जंपिंग होगा या टू जंप होगा, टू जंप, लाइक टू जंप होगा। सिमिलर टू जंप होगा। आई वुडंट केयर, क्या होगा, गोइंग होगा या टू गो होगा, टू गो होगा। तो ये वुडंट केयर या वुडंट लाइक या वुड लाइक के बाद हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट एंड एनवेलप, आर्थर ने क्या होगा, बटन वाला आला और लिफाफा उठाया, आर्थर ने बटन वाला आला और लिफाफा उठाया, पिक अप का तर्जमा लास्ट पे, एंड थर्स्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड्स, और उन्हें स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया, और उन्हें स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। आर्थर ने बटन वाला आला उठाया और उन्हें स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। थ्रस्ट देम, थ्रस्ट का मतलब होता है जोर के साथ उसके हाथों में दे देना, इसको हम कहते हैं थ्रस्ट इनटू, और स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। अब चूंकि दो चीजें हैं तो उसकी जगह पे प्रोनाउन क्या लगाया, देम का इस्तेमाल किया, क्योंकि पीछे दो नाउन्स है जिनको
एंटीसीडेंट कर रहा है यहाँ पे प्रोनाउन, वो कौन कौन से, बटन इनर्ट एंड एनवेलप। आर्थर ने बटन वाला आला और लिफाफे को उठाया और उन्हें स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। अब एनवेलप ई वाला हो लिफाफा होता है और एनवेलप ई के बगैर हो तो इसका मतलब घेरना या सराउंड करना होता है, तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको। He walked into the hall. वो राहदारी में पैदल चला and pulled open the door. और दरवाजा खोलने के लिए खींचा। Pull का मतलब खींचना होता है और open the door दरवाजा खोलने के लिए। वो राहदारी में पैदल चला और दरवाजा खोलने के लिए खींचा। I leave my card. जोर से आवाज देता है। Said Stewart. Stewart ने कहा। Stewart पहले reporting क्लास। Stewart ने कहा, मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा। I'll contraction है I shall की। आइल हो या आई शेल हो, दोनों के साथ कंट्रेक्शन आइल की इस्तेमाल करते हैं। स्टीवर ने कहा, मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर। अब क्या होगा, उसने, सब्जेक्ट आ गया, उसने क्या होगा, दरवाजे के पास मेज पर इसे रख दिया। लास्ट पे आपने तर्जमा किया प्लेस्ड का जो वर्ब है इस क्लॉज का, उसने दरवाजे के पास मेज पर इसे रख दिया। अब यहाँ पे इट किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, कार्ड की जगह पे। ये आपका नाउन और प्रोनाउन हमेशा कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, यानी जो नाउन होगा उसके हिसाब से आपने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। और ऐसे तमाम वर्ब जहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है यानी ट्रांजिटिव वर्ब, उनके साथ फिर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक क्या होगा इस तरह से आप समझ लें, इस तरह से हो सकता है। फर्ज करो, आई बॉच आ क्या होगा बंडल ऑफ बुक्स एंड पुट इनटू द शेल्फ। अब जरा बताइएगा शाबाश, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? जी जी बच्चों, क्या मिस्टेक है सेंटेंस में? पुट इट ऑन है, पुट इट आएगा। क्यों आएगा पुट इट आएगा? पुट, अब हमारे पास कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से आएगा, आपके बंडल ऑफ बुक्स के हिसाब से। तो बंडल जो है ना वो आपका क्या होगा, नाउन है जिसकी जगह पे लगाना है, तो क्या हो जाएगा, पुट इट इनटू द शेल्फ। ठीक है, अब सवाल पैदा होगा कि बुक्स जो है ना वो नाउन नहीं है, बुक्स ऑफ बुक्स जो है ना बंडल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए बंडल हमारा क्या होगा, वो एंटीसीडेंट होगा जिसके हिसाब से हमने प्रोनाउन लगाना है। तो ये जब भी आपने प्रोनाउन और नाउन को इस्तेमाल करना, तो ये दोनों एग्रीड होने चाहिए, यानी कि दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन मौजूद होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों, ये पॉइंट समझ आ गया सभी को? जी जी सर। इसके अलावा इस तरह से हमने देखना है, सिमिलरली आगे देखिएगा, व्हेन ही वाज गॉन, जब वो चला गया, आर्थर टोर इट इनटू हाफ, आर्थर ने इसे निस्फ में इसके दो टुकड़े किए। जब वो चला गया आर्थर ने इसके दो टुकड़े किए एंड टॉस द पीसेस ऑनटू द टेबल, और उसके टुकड़ों को मेज पर उछाल दिया। जब वो चला गया आर्थर ने इसके दो टुकड़े किए, हाफ यानी आर्थर ने इसके दो टुकड़े किए एंड टॉस्ड और उछाल दिया। क्या होगा, थ्रो करना अपवर्ड, एज यू फाइंड द सर्मनी ऑफ टॉस व्हेनेवर इट हैपेंस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मैच, द रेफरी थ्रोज द कॉइन अपवर्ड्स टू डिसाइड हु विल बी द डिसाइडिंग टीम टू प्ले फर्स्ट, और इन दैट केस द मोमेंट द प्रोसीजर in which the referee throws coin upwards, that is called tossing. That ceremony is called toss ceremony. So means throwing upwards. So toss means kya hoga? Throwing upwards. So Arthur ne isko nisf, iske do nisf tukde kiye ya do tukde kiye and toss the pieces onto the table aur uske tukdon ko mez par uchal diya. Jab koi dynamic preposition hota hai, kya hoga? जब हम डायनेमिक प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब कोई मूविंग पोजिशन में होता है, यानी क्या होगा, डायनेमिक पोजिशन में होता है, तो वहां पे हम प्रपोजिशन इन टू या ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं।
फर्ज करो ही इज जंपिंग इन द रिवर होगा या इन टू द रिवर होगा? इन टू द रिवर होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे वो मूविंग पोजिशन में है, तो जब डायनेमिक या मूविंग पोजिशन में हो तो वहां पे इन टू या ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सरफस पे पड़ा नहीं है, सरफस पे आ रहा है, तो इसलिए वहां पे क्या यूज किया हमने, टॉस्ड ऑन टू द क्या होगा, टेबल हो गया। दूसरी बात आप यहाँ पे देखें, ये दोनों आपस में इंटरलेटेड दोनों क्लॉजेस हैं, उसके जाने के बाद अर्थ ने इसे फाड़ा, तो ये एक्चुअली होना चाहिए आफ्टर ही हैड गॉन होना चाहिए, क्योंकि जो काम पहले हो चुका है वो टेंस कौन सा होना चाहिए, वो परफेक्ट टेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल। जब भी हमने टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ रिलेशनशिप कायम करेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे। लेट्स सी जी, आपने जरा इसको ठीक करना है, इन तमाम सेंटेंसेस को जो रिलेटेड है भी, जो हमने ऊपर पढ़ा है पैराग्राफ में से। शाबाश, टोटली अंडर कंट्रोल होगा। टोटल अंडर कंट्रोल जो है ना वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सिचुएशन के। सिचुएशन हमारा नाउन था, तो नाउन का क्वालिफायर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का जो क्वालिफायर है वो होगा कि वो क्या होना चाहिए, वो एडवर्ब होगा, तो ये टोटली होगा, टोटल एडजेक्टिव होता है, टोटली उसका एडवर्ब है। जी बच्चो, टू हेल्प, वेरी गुड, टू हेल्प। मैंने अभी बताया था कि लाइक, एक्सपेक्ट, वांट के बाद जब हम ऑब्जेक्ट लगा दें उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये आपने याद रखनी है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना हो, द पुअर और द नीडी, उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। जी एनीवन, देखिएगा बच्चों, याफ क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन इस्तेमाल करते हैं। अटेंटिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो क्या होगा, अटेंशन इन द क्लास फॉर लॉन्ग लास्टिंग लर्न। जी, आवर प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ईटेबल्स टू अफ्लिक्टेड एरियाज आर क्लियर। इन द ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज अ क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये एज अ प्रेपोजिशन जो है ना, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इन चूंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हमने क्या यूज करना है, इसको नाउन इस्तेमाल करेंगे जेरेंड की बजाय। अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा होता तो फिर हमने इस्तेमाल करना था, फर्ज करो ऑफ ना होता तो ट्रांसपोर्टिंग ईटेबल्स, फिर ये सही था। अब चूंकि ऑफ आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या होगा, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईटेबल्स हो जाएगा। कम ऑन, नेक्स्ट वाला सेंटेंस, वुड यू लाइक टू टॉक, टू टॉक, वुड यू लाइक टू टॉक, वुड लाइक के बाद हमने क्या यूज किया, इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया, लाइक के बाद हमने क्या कहा, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन बच्चों रिगार्डिंग, वी हैव स्टडीड सो फार ऑन दिस पेज एंड अदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स वी जस्ट गॉन थ्रू। जी, any question if you have. बता दें, she walked into the hall and pulled open the door. He walked in. जी, अब ये भी देखना है, और ये भी मैंने बताना शायद याद नहीं रहा, pulled to open the door होगा, ये क्या होगा, pull किया, क्यों किया, reason के लिए हम क्या use करते हैं, to open the door होगा। वो क्या होगा, राहदारी में पैदल चला, या राहदारी में पैदल गया, hall का मतलब होता है राहदारी, corridor, Hafiz Azim, don't make lines on the screen, your name is showing, everybody who makes any this sort of nonsense is being displayed on my screen, so don't do that. Kya hoga, dekhiyega, he walked into the hall, wo raadari mein paidal gaya and pulled to open the door, aur kya hoga, darwaza kholne ke liye khencha. Clear ho gaya ji bachcho, yahi pucha tha iske alawa? Yes sir. जी, फर्स्ट टू लाइन, जी देखिएगा, इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, आस्क आर्थर, आर्थर ने पूछा क्या ये अमली मजाक है, आर्थर ने पूछा यह क्या ये अमली मजाक है, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश मुकम्मल तौर पे असली है, ये पेशकश, ऑफर, पेशकश और कम्प्लीटली जेन्युइन, जेन्युइन मीन प्योर, रियल, ऑथेंटिक, ये पेशकश मुकम्मल तौर पे असली है। जी बच्चों, एनीथिंग एल्स?
सर जी बेटा सर ये आप इधर मिस्टर स्टीवर्ड लुक द इन पेरिस थे आपने सर लुक के पीछे फाइल लिखा था तो आप कुछ बता रहे थे मुझे तो आवाज नहीं थी आ रही आपकी जी बेटा श्योर लुक्ड एम्बेरेस्ड मैंने बताया कि यहाँ पे लुक जो है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है एक लुक देखना है जैसे आई लुक्ड एट यू यहाँ पे ये एक्शन है और स्टीवर्ड लुक्ड एम्बेरेस्ड यहाँ पे ये दिखाई देना है तो इसका मतलब है स्टीवर्ड यहाँ पे देख नहीं रहा बल्कि क्या है दिखाई दे रहा है तो ये क्या होगा एज अ क्या इस्तेमाल करें एज अ ऑब्जेक्ट तो जब ये होने का मीनिंग आ जाए तो वहां पे फिर हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं जैसे यहाँ पे एम्बेरेस्ड है ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे और ये होने का मीनिंग देता है यानी इसको हम अगर ऐसे लगा दें स्टीवर्ड लुक्ड एम्बेरेस्ड या स्टीवर्ड वाज एम्बेरेस्ड ये दोनों में कोई फर्क नहीं होगा दोनों का मतलब यही है कि स्टीवर्ड एम्बेरेस्ड था या स्टीवर्ड एम्बेरेस्ड दिखाई दिया जी एनी अदर क्वेश्चन शुड वी मूव फॉरवर्ड किसका Ask Arthur. Arthur ने पूछा, Is this a practical joke? क्या ये कोई अमली मजाक है? ठीक है? Practical joke यानी कि अमली तौर पे मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ ये पूछना चाह रहा हूँ धन बच्चो चलो मूव टू द नेक्स्ट नौमा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा नौमा अभी भी सोफे पे बैठी हुई थी नौमा अभी भी सोफे पे बैठी हुई थी स्टिल एडवर्ब है जो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ये इसका क्वालिफायर कहाँ पे होगा स्टिल का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं वर्ब से पहले करते हैं याद रखिए स्टिल कहाँ पे यूज करते हैं हम एडवर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं नौमा अभी भी सोफे पे बैठी हुई थी व्हाट डू यू थिंक इट वॉज व्हाट डू यू थिंक आपके ख्याल में ये सब क्या था व्हाट डू यू थिंक आपके ख्याल में ये सब क्या था शी आस्क उसने पूछा तो पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा करेंगे उसने पूछा आपके ख्याल में ये सब क्या था आई डोंट केयर टू नो ही आंसर्ड उसने जवाब दिया मुझे जानने की परवाह नहीं है आई डोंट केयर टू नो मुझे जानने की परवाह नहीं है देखिए यहाँ पे क्या केयर टू नो मैंने बताया वुड केयर या डोंट केयर के बाद क्या यूज करते हैं हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे मुझे जानने की परवाह नहीं है या परेशानी नहीं है अब बेइज्जती होगी उसकी वो बड़ी जो ना वो तेजस्वी से पूछ रही है कि ये क्या है तो वो आगे से कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी तो वो शी ट्राई टू स्माइल उसने मुस्कुराने की कोशिश की बट कुडंट लेकिन मुस्कुरा ना पाई उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन मुस्कुरा ना पाई अरेंट यू क्यूरियस एट ऑल क्या आप बिल्कुल भी मुतजस्स नहीं हो क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस्स इनक्विजिटिव इंटरेस्टेड किसी चीज को जानने की कीननेस जुस्तजू क्या आप बिल्कुल भी मुतजस्स नहीं हो नो He shook his head. उसने अपना सर इनकार में हिलाया नफी में सर हिलाया नफी में सर हिलाने को क्या कहते हैं शक कहते हैं और अप्रूवल में सर हिलाने को क्या कहते हैं नोड कहते हैं ठीक है नोड यानी क्या होगा उसने क्या होगा अपना सर नफी में हिलाया या उसने अपना सर इनकार में हिलाया रिफ्यूज या डिसएग्री करना आफ्टर आर्थर हैज रिटर्न्ड हिज बुक आर्थर की अपनी किताब शुरू कर देने के बाद रिटर्न से मुराद ये नहीं तर्जमा करना कि किताब की तरफ मुड़ने के बाद अब किताब जो है ना वो कोई कमरा नहीं है जिसकी तरफ मुड़ जाए यहाँ पे मतलब क्या है कि पहले भी किताब पढ़ रहा था अब दोबारा से किताब पढ़ने लग गया तो ये अंडरस्टूड मीनिंग होगा यहाँ पे जो ना वो ये सेम टू सेम तर्जमा नहीं कर देना आर्थर की अपनी किताब शुरू कर देने के बाद या पढ़ना शुरू कर देने के बाद अब देखें ये पहले काम हो गया नॉर्मा वेंट बैक बाद में गई तो ये कौन से टेंस में आ गया परफेक्ट टेंस में आ गया जो काम पहले हो गया वो कौन से टेंस आ गया परफेक्ट टेंस आर्थर की अपनी किताब पढ़ना शुरू कर देने के बाद नॉर्मा वेंट बैक टू किचन नौमा बावर्ची खाने में वापस गई सब्जेक्ट टू द किचन लास्ट से वापस बावर्ची खाने की तरफ वापस गई एंड फिनिश डिशेज द वॉशिंग और प्लेटें धोने का काम खत्म किया फिनिश के बाद क्या यूज किया हमने जेरंड इस्तेमाल किया फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और प्लेटें धोने का काम खत्म कर लिया व्हाई वोंट यू टॉक अबाउट इट नौमा आस्क नौमा ने पूछा आप इसके बारे में गुफ्तगू क्यों नहीं करेंगे वोंट कंट्रेक्शन है विल नॉट की या शल नॉट विल नॉट की तो क्या होगा आप इसके बारे में गुफ्तगू क्यों नहीं करें ये याद रखना है वोंट हम कभी भी पास्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट टेंस में विल नॉट इस्तेमाल नहीं होता तो आप इसके बारे में गुफ्तगू क्यों नहीं करोगे आर्थर आईज शिफ्टेड आर्थर ने आंख चुरा कर देखा एज ही ब्रश चीज जब उसने अपने दांतों में ब्रश किया यानी वो सामने ब्रश कर रहा था बेसन के सामने खड़ा होकर तो उसने देखा
अर्थ ने आंख चुरा कर देखा जो ही उसने अपने दांतों में ब्रश किया. He looked at her reflection in the bathroom mirror. उसने क्या होगा इन बाथरूम मिरर उसने गुसलखाने के आईने में उसकी अक्स को देखा. आर्थर की आंखों ने या आर्थर ने कुन अखियों से देखा या आंख चुरा कर देखा कुन अखियों से भी कहते हैं. जो ही उसने अपने दांतों में ब्रश किया या क्या होगा जो ही उसने अपने दांतों में ब्रश घुमाया उसने गुसलखाने के आईने में लास्ट से वापस आना है उसकी अक्स की तरफ देखा. चलें जी अब जरा बताइएगा जी सही कीजिएगा शाबाश जरा. He was still. He was still. Was still. हाँ रीडिंग से पहले लगाएंगे शाबाश. He was still. Now care now. Wouldn't care to know होगा. To know. To know. जी she tried to lift the heavy weight dumbbell but cannot. Could not. Not tried आ गया past tense तो आगे भी क्या होगा couldn't आ जाएगा past आ जाएगा शाबाश. And shock is that could शाबाश noted is said है हाँ में सरे लाना है जब agree कर रहा है proposal के साथ तो इसका मतलब क्या है बात मान गया या इनकार किया है मान गया तो क्या होगा noted जी She kept on reading. Reading. क्योंकि on के बाद क्या लगाया हमने fourth form इस्तेमाल की शाबाश. Want नहीं है क्योंकि want past में use नहीं करते. Want past में इस्तेमाल नहीं करेगी शाबाश. क्या होगा? I didn't think that. क्या होगा? Why? He wouldn't talk होगा या he would talk होगा? Wouldn't. वुडन नहीं लगाएंगे वुड टॉक होगा क्योंकि पहले भी नेगेटिव है और आगे भी नेगेटिव है तो दो नेगेटिव हम एक सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते ठीक है. आई डिडंट थिंक व्हाई ही वुड टॉक टू मी एट दैट टाइम. जी शाबाश नेक्स्ट वाला वाज ही वाज होगा ही इज जो है ना वो कंट्रैक्शन ही इज की तो इसके साथ हमने क्या नहीं लगाएंगे वो इस्तेमाल नहीं करेंगे पास्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको शाबाश. नेक्स्ट वाला व्हाई यू आर फीलिंग नर्वस क्योंकि जब किसी सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो क्लॉज बन जाती है सब्जेक्ट पहले आता है वो बाद में इस्तेमाल किया जाता है. जी एनी स्ट्रक्चर एनी टेक्स्टुअल लाइन यू फाइंड डिफिकल्ट यू कैन आस्क द क्वेश्चन जी इफ देयर इज प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन द स्लाइड. Is there? Sir, ये last वाला जो है. जी. जी बेटा. Sir, last line की translation कर दें. जी, आर्थर ने कुन अखियों से देखा. आर्थर की आंखों ने उसकी तरफ मुड़ गईं. Subject तो basically आर्थर eyes है. तो यानी कि आर्थर ने कुन अखियों से देखा ऐसी ब्रश चीज जब वो उसने अपने दांतों में ब्रश किया यानी जब ब्रश कर रहा था उस वक्त दोनों उसने आंख चुरा कर देखा क्योंकि वो बात करते करते उसकी तरफ उसके अक्स आईने में देख रहा है क्योंकि वो बार बार बात कर रही है किसके बारे में वो ऑफर के बारे में इसलिए उसकी तरफ देख रहा है. जी एनी अदर क्वेश्चन जी क्लियर शुड वी मूव फॉरवर्ड सो दैट वी मे अकम्प्लिश ऑल द थिंग्स रिमेनिंग. जी बच्चों जो मैंने अभी बताया था एक्सपेक्ट के बाद क्या यूज करना है हमने क्या लगाना है एक्सपेक्ट अस टू बिलीव यानी हमने क्या लगाना है उसके बाद इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे. लाइक अस टू बी लाइक के बाद हमने इस्तेमाल किया एक्सपेक्ट के बाद इस्तेमाल किया वॉन्ट के बाद इस्तेमाल किया और वॉन्ट के बाद इस्तेमाल किया यहाँ पे टू बी लगा रहे हैं तो टू यानी टू के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. कोर्स का मतलब रास्ता होता है कोर्स का मतलब सिलेबस भी होता है कोर्स का मतलब मोटे कपड़े को कहते हैं. आई सॉ हिम क्या होगा जी बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करने सेंस वर्ब के साथ आई सॉ हिम क्या होगा एंटर ही नोटिस मी क्या होगा मूव वॉच्ड हिम क्या होगा प्लेइंग भी हो सकता है और प्ले भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं. आई वुड रादर Visit sooner, overcome, helped me cross, had better, leave,
नीड नेवर सी, नीड नेवर आए तो फिर लगाना है, नीड अकेला आ जाए तो फिर नहीं लगाना, डेयर नॉट टॉक, डेयर अकेला आ जाए तो फिर नहीं लगा, फिर इन्फिनिटिव लगाना, उसके बाद लेट मी नो और मेड मी क्या होगा, नीड होगा need. ये एक्टिव वाइस में हो तो फिर आपने बेर इन्फिनिटिव लगाना, पैसिव वाइस में क्या यूज करना, हमने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है. उसके बाद नेक्स्ट सी, लेट्स सी जी, कम ऑन, ठीक कीजिएगा जी, राइट सिलेक्शन आपने करनी है. स्पेक्टेटर रेज द स्लोगन्स. क्या होगा, पुलिस के आने से पहले ये काम क्या है, हो गया था, तो जो काम पहले हो जाए कौन सा टेंस हो गया, वो परफेक्ट टेंस में आ जाएगा. शाबाश, नेक्स्ट वाला. थर्ड ऑप्शन, अनाउंस क्यों किया, अनाउंस क्यों किया, टू हेल्प द अफ्लिक्टेड पीपल. तो रीजन के साथ हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब भी कोई रीजन इस्तेमाल करेंगे. जी शाबाश. न्यू है, न्यू के साथ क्या लगाना, पास्ट लगाना, लेकिन ये भी पास्ट है, ये क्यों नहीं लगाएंगे, हैड के साथ अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, हैड बिन क्या होगा, रॉन्ग होना चाहिए, तो ये क्या होगा, वर वाला ऑप्शन हो जाएगा. शाबाश. I could tell how hard it was. Four वाला होगा. जब आपका interrogative sentence जो है वो clause बन जाए, तो फिर उसका structure जो है वो सवाल वाला खत्म हो जाता है. शाबाश. Next वाला देखिएगा जी. One वाला, he cut the fruit, peeled it and distributed. अब सभी verb में क्या है, same form होनी चाहिए. क्या होगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे. ठीक हो गया जी. जी नेक्स्ट चलते हैं जी हम अगली स्लाइड की तरफ. दिस इज द सॉल्यूशन स्लाइड. यू कैन सी आफ्टर दिस लेक्चर इज ओवर आई विल शेयर इट एंड दिस इज द लास्ट वन. कम ऑन. थर्ड वाला ऑफर्ड है, किसको ऑफर किया, खुद को ऑफर किया, तो फैसल के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ कोऑर्डिनेट. जी शाबाश बच्चों. क्या होगा, प्लेस्ड इट होगा, इट ऑन द टेबल के बुक की जगह पे हमने क्या लगाना है, इट भी इस्तेमाल करना है, प्रोनाउन लगाना है. उसकी वजह क्या है, ये प्लेस जो है कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या यूज करना लाजमी है, वो ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी है. शाबाश. नेक्स्ट वाला. सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन वाला. टर्न, एक तो टर्न ओवर होगा और टर्न ओवर के साथ कोऑर्डिनेट कौन सी टेंस करेगा, पास्ट है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इस्तेमाल करेंगे. शाबाश. नेक्स्ट वाला. थर्ड ऑप्शन जी, पास्ट में मे इस्तेमाल हो सकता है. सेकंड वाला होगा, कैन बी, इट कुड प्रूव, तो क्या होगा, इट कुड प्रूफ. शाबाश. नेक्स्ट वाला. सेकंड, ही आस्क्ड द टीचर दैट ही माइट जी, पहले तो आस्क आ गया तो यहाँ पे क्या लगा दिया, इफ लगाया, तो इफ के साथ दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं. और जब पीछे पास्ट है तो आगे मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ पे क्या है, इसके साथ क्या है, इफ माइट ही काम, ये तरतीब गलत है, तो क्या ऑप्शन होगा फिर आपका, एक ही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट. जी दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड इज द सॉल्यूशन स्लाइड. अप टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल दिस स्टफ यू कैन आस्क, इवन यू कैन आस्क द क्वेश्चन अदर देन दैट. जी बच्चों, एनीवन. फोर्थ वाला क्या है, जब आपकी टोल्ड है तो कौन सा टेंस है, ये पास्ट है, पास्ट में क्या है, कैन लगेगा, कुड लगेगा, लगेगा, माइट लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगा, डिड लगेगा,
ये सारे याद रखना आपने, ये सारे के सारे पास्ट में इस्तेमाल करने हैं। जब भी आपकी पहली क्लॉज आपकी पास्ट में हो तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर पास्ट में इस्तेमाल होंगे जी। एनी अदर क्वेश्चन? एवरीबॉडी क्लियर? That was all for today. Have a nice time. Tomorrow,